हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप व्हाइल लूप का यूज बेटर तरीके से कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लूप का यूज प्रोग्राम के किसी पार्ट को सेवरल टाइम्स इटरेट करवाने के लिए हम करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जो व्हाइल लूप की नंबर ऑफ इटरेशन है वो फिक्स नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं और व्हाइल लूप के सिंटेक्स को समझते हैं। यहाँ पर व्हाइल लूप का सिंटेक्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। व्हाइल लूप के लिए व्हाइल एक कीवर्ड होता है, उसके बाद हम कंडीशन बनाते हैं, फिर डेफिनेशन के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसे हमें एग्जीक्यूट करवाना है। अब फ्लो चार्ट के बेसिस पे व्हाइल लूप का फ्लो समझने की कोशिश करते हैं। जब लूप स्टार्ट होता है तब सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्कोप के अंदर आता है, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है, फिर वापस कंडीशन पे पहुंचता है। फिर कंडीशन ट्रू होती है, फिर स्कोप में आता है, फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है, फिर कंडीशन पे पहुंचता है। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब व्हाइल लूप एंड हो जाता है। अब एक प्रोग्राम के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की इनसाइट इसका यूज बेटर तरीके से कर पाए। बहुत आसान है। जो व्हाइल लूप है, अभी अभी आपने देखा इसका सिंटेक्स, इसके लिए व्हाइल एक कीवर्ड होता है, उसके बाद हमें कंडीशन बनाना होता है। मैं सीधे ही कंडीशन ट्रू कर देता हूँ। वन का मतलब यहाँ पे ट्रू होता है। यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए मैं सी आउट स्ट्रीम यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोडेश। मैं कोडेश प्रिंट करवाना चाहता हूँ और न्यू लाइन के लिए हम यहाँ पर एंड ऑफ लाइन यानी कि एंड एल स्ट्रीम यूज़ करेंगे। इस तरीके से बहुत आसान है। चलिए मैं अभी आपको इसे कंपाइल और रन करके बताता हूँ। अभी ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो ये चलता ही जाएगा। यहाँ पर कंपाइल और रन करके चेक करके बताते हैं आपको। बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा। तो कंट्रोल और सी प्रेस करना है, इससे ये बंद हो जाएगा। अब इसे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इनिशियलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पर आई नेम का वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। इसका टाइप इंट है और इनिशियलाइजेशन मैं जीरो से कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन बना रहा हूँ। कंडीशन मैंने लिखा आई लेस देन टू। यहाँ पर जो कंडीशन हमने बनाया है वो क्या है, आई लेस देन टू, यानी कि जब तक आई टू से लेस होगा तब तक ये लूप चलेगा। यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, अभी भी आपने देखा। इसके बाद मैं यहाँ पर आई को प्रिंट करवा देता हूँ। तो चलिए अब इसके फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट प्रोसेस भी यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आई में क्या है, जीरो। यह कंडीशन चेक करते हैं क्या जीरो टू से लेस होता है। जीरो टू से लेस होता है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, क्या प्रिंट होगा, आई कॉलन स्पेस और इसके बाद आई में क्या है, जीरो, तो जीरो प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, आई कॉलन स्पेस और जीरो। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, आई प्लस प्लस, यानी कि अब आई बढ़कर क्या हो जाएगा, जीरो से वन। अब वन लेकर ये कंडीशन पहुँचेगा, अब चेक करेगा क्या वन लेस होता है टू से, हाँ वन लेस होता है टू से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, क्या प्रिंट होगा, आई कोलन स्पेस और वन। इस तरीके से आई कोलन स्पेस और वन। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एंड ऑफ लाइन, तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अगला स्टेटमेंट है उसमें क्या होगा, आई बढ़ जाएगा। अब आई वन से क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। टू लेकर कहाँ पहुँचेगा, कंडीशन पर पहुँचेगा, क्या टू टू से लेस होता है, टू टू से लेस नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और व्हाइल लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आउटपुट जो बनेगा वो क्या बनेगा, आई कोलन जीरो, आई कोलन वन। चलिए मैं अभी आपको कंपाइल और रन करके बताता हूँ। बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आउटपुट मिल चुका है, आई कोलन जीरो और आई कोलन वन। इस तरीके से तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने
डिस्कस किया व्हाइल लूप के बारे में और साथ ही साथ एक प्रोग्राम बनाकर समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।